अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि काइनमास्टर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। काइनमास्टर के एक एक फंक्शन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है। काइनमास्टर जो है वो नंबर वन लिस्ट में आता है तमाम वीडियो एडिटर्स उनमें से, क्योंकि काइनमास्टर बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि दूसरे वीडियो एडिटर्स में बहुत कम देखने में आते हैं। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और काइनमास्टर को इस्तेमाल करना सीखते हैं। काइनमास्टर मेरे पास ओपन हो गया है। काइनमास्टर ओपन करके सबसे पहले आपने यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन तीन ऑप्शंस में से दरमियान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछता है ये कि आप कौन से स्टाइल की वीडियो बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वन बाय वन, ये तमाम जो है ना तीन मोड्स हैं, इनमें से जो भी वीडियो आप बनाना चाहते हैं वो बना लें। मैं ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं वॉइस, ऑडियो, मीडिया, लेयर्स। मीडिया का ये होता है कि यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड चॉइस करके उसके ऊपर वीडियो लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ बैकग्राउंड, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आप ज़्यादातर इसमें जो है पिक्चर्स वगैरह ऊपर लगा देते हैं। ओके कर देना। यहाँ लेयर्स, फिर जो है ना बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें लगानी होती है वो लेयर्स से एडिट करके यहाँ पे मीडिया करके कोई भी पिक्चर वगैरह आप इसके ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियोज़ हैं, बैक चलता हूँ, डाउनलोड, ये पिक्चर्स वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। पीछे ये आपका बैकग्राउंड ही आएगा, आगे ये आपकी पिक्चर चलेगी। ये पिक्चर के अलावा वीडियो भी चल जाती है, मेरे से वीडियो सिलेक्ट हो गई है तो ये वीडियो भी आपकी चल जाएगी बैकग्राउंड के ऊपर, और पिक्चर्स भी। ज़्यादातर जो होता है हम ये चीज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने जो है मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी मैं आपको सिखाता हूँ। मीडिया, मीडिया में आप जो है कोई भी यहाँ से वीडियो, ये मैं वीडियो अपनी कोई ओपन कर लेता हूँ छोटी सी, ये कार्टून्स वगैरह की, और डन कर देना है। ये वीडियो को ले लेते हैं। यहाँ से फिर आप जो है दोबारा कोई चीज़ और इसके अंदर ऐड करनी है तो आप पिक्चर्स वगैरह भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह भी मैं आपको ऐड करना सिखा देता हूँ कि पिक्चर यहाँ से भी कोई ले लें। ये मैं अपने थंबनेल्स वगैरह ले रहा हूँ, ये इसको ऐड कर देता हूँ। ओके हो गया। ये जो चीज़ होती है ऐड करने वाली मीडिया से जाके, ये जो होता है ये वीडियो के आगे से आएगा, यानी कि वीडियो के बाद में प्ले होगा। जो लेयर्स में होता है चीज़ वो वीडियो के ऊपर ही प्ले होती है, यानी कि ये मैं लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से मीडिया, और यहाँ से जो है बैक करता हूँ, मैं पिक्चर जो है वो लगाता हूँ इसके ऊपर, थंबनेल को ही लगा लेता हूँ इसके ऊपर। ये देखें, जब ये आप वीडियो प्ले करेंगे तो ये चीज़ वीडियो के ऊपर प्ले होगी। मैं प्ले भी करके दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे ऐसे जो है ना लोग वीडियो के ऊपर जो है सब्सक्राइब बटन को भी शो कर देते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। लेयर्स, मीडिया, और यहाँ पे जो है सब्सक्राइब बटन आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे ऐड करना है। यहाँ पे डाउनलोड्स, ये जो है ये सब्सक्राइब बटन आपको YouTube से मिल जाएगा। YouTube पे आपने चले जाना है, वहाँ से यहाँ जो आ रहा है लेफ्ट राइट साइड पे कोरमे की, इसको आपने ओपन कर लेना है और एनेबल कर देना है, तो ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है ये गायब हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर रह जाएगा। ये वीडियो के ऊपर आपने मोस्टली देखा होगा कि लोगों की वीडियो पे चल रहा होता है। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह तो ये भी आपने ऐड करना सीख लिया, वीडियो भी ऐड करना सीख ली। अब है ऑडियो। ऑडियो में आप यहाँ से कोई भी अपना जो है म्यूज़िक वगैरह, यहाँ से आप एल्बम भी अपने खोल सकते हैं जो आपके डायरेक्टली फ़ोन मेमोरी या जो है मेमोरी कार्ड की मेमोरी में ओपन हो जाएंगे। वीडियो एडिटर, यहाँ पे मैंने जो है म्यूज़िक वगैरह रखे हुए हैं तो उनमें से कोई भी जो है म्यूज़िक, ये सब्सक्राइब नाउ प्लस करके आप वीडियो में ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक को भी आप ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे
यहाँ से आप वॉइस भी चेंज कर सकते हैं जिस वॉइस में आपको म्यूज़िक चाहिए, ये जो है काइनमास्टर हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये आवाज़ का आ जाता है, यहाँ से आप आवाज़ को कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं कितनी चाहते हैं आप वीडियो के अंदर। बैकग्राउंड म्यूज़िक ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से ट्रिम वगैरह के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपने एक बार नोट की होगी कि मेरी वीडियो के अंदर जो है वो वाटरमार्क नहीं है शो हो रहा, वरना हर किसी के वाटरमार्क शो होता है, तो वो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो काइनमास्टर है ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, ये आपने यूसी ब्राउज़र के अंदर जाके किसी भी वेबसाइट से ये डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा फ्री मोड में, वरना आपको वाटरमार्क ख़त्म करने के लिए पे करना पड़ता है। इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो है वॉइस का, ये वॉइस से आप जो है अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ। स्टॉप कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से आप आवाज़ की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस तरह फिर आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट करके वीडियो को सेव कर सकते हैं गैलरी के अंदर। और भी इंट्रो वगैरह का भी इसी तरह ही है, वो भी मैंने वीडियो जो है अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि चैनल का इंट्रो कैसे तैयार करते हैं। मैं अपने चैनल का आपको इंट्रो आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, मैं फिर भी आपको एक दफ़ा यहाँ पर जो है क्लिक करके दिखा देता हूँ, जो मैंने इंट्रो इसी में ऐड किया था। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं, ये इसी से ये चीज़ भी काइनमास्टर के अंदर ही रेडी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मज़ीद वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।